हम बात कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग की। आज के दिन की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग ने हमको 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है। स्टॉक ने गिरावट के साथ बाउंस बैक किया था, हायर हाई पैटर्न दिखाया था। आपको याद होगा हमने इस लेवल को जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई थी 64-65 का लेवल, इसको मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर डिस्कस किया था और कहा गया था कि इस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर वैसे कंडीशन में लगातार तेज़ी दिखा सकता है। इस लेवल का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट रहेगा पटेल इंजीनियरिंग में, ऐसा हमने डिस्कस किया था। टारगेट के तौर पर 64-65 के लेवल को डिस्कस किया गया था। फाइनली हमको इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिला 64-65 के लेवल का। स्टॉक ने 68 तक का जंप दिखाया, वहाँ से अगेन छोटी मोटी गिरावट नज़र आ रही है। अब जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, गिरावट आ रही है, तो जिस रेंज को ब्रेकआउट किया है अब यही सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 64-65 का लेवल, जिस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा 62 का लेवल, और तगड़े सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं जहां इससे पहले स्टॉक रिजेक्शन लिया था अगेन सपोर्ट भी लिया था। 60 का लेवल तगड़ा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा पटेल इंजीनियरिंग के लिए। अब बात करते हैं टारगेट की, तो चार्ट पैटर्न पर गिरावट के बाद का जो चार्ट पैटर्न है इस पर दोबारा से एक नज़र मारते हैं हम। इस चार्ट पैटर्न पर गिरावट के बाद जंप आया, अगेन गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप के साथ अपने हाई को ब्रेकआउट किया, फिर गिरावट आई छोटी मोटी, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, एक जंप आया, जंप के साथ हाई ब्रेकआउट, गिरावट जंप हाई ब्रेकआउट, गिरावट जंप हाई ब्रेकआउट, गिरावट जंप हाई ब्रेकआउट, यहाँ से गिरावट आई है, स्टॉक बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। हमको लगातार पटेल इंजीनियरिंग में हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से अब टारगेट की बात करें तो जिस लेवल से रिजेक्शन लिया है 68 का लेवल, कल के दिन में हमको यहाँ तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है 68 का। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 70 के लेवल पर करेगा। लेकिन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं बड़े बायर्स बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है लगातार। गिरावट आती है तो छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिलती है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि रेड कैंडल छोटे छोटे से देखने के लिए मिल रहे हैं और बड़े ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी छोटी मोटी गिरावट पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और स्टॉक में बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है, स्टॉक में जंप देखने के लिए मिल रहा है। इस अकॉर्डिंग 70 का लेवल ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है पटेल इंजीनियरिंग में। 70 का ब्रेकआउट कर गया तो फिर अगला टारगेट 74 और 80 तक के टारगेट अब पटेल इंजीनियरिंग में हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।